नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर यानी राजस्थान के मौसम के बारे में जो बड़ी अपडेट इस समय निकल कर के सामने आ रही है आगे आने वाले लगभग 7 मार्च तक के लिए, इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूंगा। आगे आने वाले समय के अंदर किन किन ज़िलों के अंदर आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, किस किस ज़िले के अंदर जो है अलर्ट जारी किया गया है आगे आने वाले समय के अंदर, इसके बारे में जानकारी जो है वो लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि अगर आपके ज़िले के बारे में भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है तो इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो मिल पाए। सबसे पहले अगर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के द्वारा जो सैटेलाइट मैप जारी किया गया है इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो WD यानी पश्चिमी विक्षोभ, जो कि इस साल का सबसे प्रबल पश्चिमी विक्षोभ आप अब तक का जो है वो कह सकते हैं, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये उत्तर भारत के क्षेत्रों से काफ़ी दूर जा चुका है और इसका असर भी अधिकतर अगर राजस्थान के हिस्सों से देखा जाए तो लगभग जो समाप्त हो चुका है। केवल इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान के ज़िलों के अंदर यानी धौलपुर, भरतपुर और इसके साथ साथ में बात करें तो कुछ हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी केवल कुछ स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस WD की वजह से जो उत्तर भारत के अंदर बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, इसकी वजह से अगर देखा जाए तो राजस्थान के ख़ास तौर से उत्तरी राजस्थान के अंदर, साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर यानी बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग, इसके साथ साथ में बात करें तो जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी अगर देखा जाए तो तापमान के अंदर ज़ोरदार गिरावट ख़ास तौर से रात के समय आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। मिनिमम जो तापमान है यानी जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जा सकते हैं, यानी एक बार फिर से सर्दी की जो गतिविधियां हैं वो लौट सकती है राजस्थान के अंदर। वहीं बात करें तो आगे आने वाले समय के अंदर 5 मार्च के समय के आसपास शाम के समय 5 तारीख को एक WD यानी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के अंदर जो प्रवेश करेगा और इस WD की वजह से एक बार फिर से राजस्थान के काफ़ी ज़िलों के अंदर बारिश की गतिविधियां और बादलों की जो घनी आवाजाही है वो आपको जो देखने को मिल सकती है। तब तक यानी 5 मार्च तक राजस्थान के किसी भी ज़िले के अंदर कोई तेज़ बारिश की जो संभावना है वो नहीं है। 5 मार्च को शाम से हल्का तापमान जो है वो बढ़ने लगेगा राजस्थान के अंदर और 6 मार्च से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बीकानेर संभाग के अंदर, जयपुर संभाग के अंदर, कुछ जो और अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो कुछ पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों के अंदर यानी जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी इस WD की वजह से बारिश की गतिविधियाँ जो है वो मुख्य रूप से 6 और इसके साथ साथ में बात करें तो 7 मार्च के समय के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप राजस्थान वेदर से संबंधित अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।